दोस्तों बात करने वाले IRFC स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, जैसा कि IRFC के लिए आपको बताया गया था कि देखिए शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा मोमेंटम अभी के टाइम नहीं आएगा, क्योंकि हाल ही के अंदर लगभग डबल हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो लोग शॉर्ट टर्म वाले हैं वो थोड़ा दूर रहे, दूर तो कह रहे हैं, अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहो कर सकते हो, बट वेट करना पड़ेगा। टोटली एक ही पॉइंट है यहाँ पे, पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी के टाइम में अगर डाटा आप देखेंगे दोस्तों, बड़े प्लेयर्स फिर से यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, धीरे धीरे माल खरीद रहे हैं। अब यहाँ पे बेचेगा कौन? बेचेगा वही जो पैनिक होता है, जो गिरावट को सहन नहीं कर सकता, जिसको भाई ताबड़तोड़ रिटर्न की आदत पड़ रखी है, चाहे लॉस हो जाए। अभी के टाइम डाटा अगर आप देखेंगे, डाटा जबरदस्त है दोस्तों, वॉल्यूम स्टॉक की बिल्कुल डाउन हो चुकी है। आपको देख सकते हो यहाँ पे, जब तेजी आती है वॉल्यूम बढ़ जाती है, जब गिरावट होती है वॉल्यूम बिल्कुल डाउन रहती है, क्योंकि गिरावट में भाई टोटली रिटेलर्स ही बेचते हैं। जब तेजी आती है बड़े प्लेयर डेफिनेटली माल खरीदते हैं, जैसा कि आप देखेंगे अराउंड 3 करोड़ 60 लाख के आसमे, 60 लाख रुपए, 60 लाख की वॉल्यूम आज देखने को मिली। एमओएन सेलिंग बाइंग क्वांटिटी कुछ भी के टाइम कोई बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। डिलीवरी स्टॉक की अच्छी है, 20% के आसपास आज शेयर खरीदे गए। डिलीवरी क्वांटिटी अगर देखा जाए तो अराउंड 70 लाख के आसपास शेयर आज डिलीवर हुए हैं, जिसकी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू मान के चलो कि अराउंड 110 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट आज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखो भाई, IRFC एक ऐसा शेयर है जो मल्टी बैगर बना है, और यहाँ पे 2023 से लेकर भाई अब तक देखोगे ना आप इसको, तो कम से कम ये 200% तक के रिटर्न दे, 200 क्या, अराउंड 300-400% तक के रिटर्न ये दे चुका है स्टॉक, ठीक है ना, मल्टी बैगर स्टॉक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखो जो लोग 30 रुपए 40 रुपए के आसपास से बाई किए, उनको तो पता है कि कितना ये क्या कर सकता है, स्टॉक की वैल्यूएशन क्या है, वो पेशेंस रख सकते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि एक साल के अंदर स्टॉक 200-300% का रिटर्न दे चुका है, लोगों को फिर भी तेजी चाहिए, लोगों को फिर भी, मैं एक ही चीज से अचंभित रहता हूँ स्टॉक मार्केट में, एक ही चीज क्वेश्चन खड़ा होता है कि भाई मार्केट में कैसे लोग हैं, मार्केट में लोगों को तेजी से ही प्यार है, गिरावट का तो कोई भाई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो भाई, अगर ये स्टॉक इस स्थिति से अगर 500 पर भी चला जाए ना अभी, तो 500 के लेवल पर भी लोग फंसेंगे, ये चीज ध्यान रख लेना। मार्केट का यही नियम है भाई, मार्केट में हर एक लेवल पर आपको बायर मिलेगा। अब वो बायर ऐसे मिलेंगे जो उनको कोई मतलब ही नहीं, उनके पास पैसा है बस वो लगा देते हैं, उसके बाद उनको बस रिटर्न चाहिए, रिटर्न नहीं मिला तो वो बेच देते हैं गिरावट के। मानता हूँ दोस्तों बिगिनर्स के लिए चीज आसान नहीं होती है, बट मार्केट में किसी भी गलत से गलत स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर थोड़ा सा पेशेंस रख लेते हैं तो थोड़ा बहुत रिकवरी तो वो भी कर देगा, प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं कर सकता, प्रॉफिट तो नहीं कर सकता, बट लॉस कुछ हद तक वो भी आपका कवर करवा देगा। तो भाई मार्केट का एक ही रूल है कि मार्केट में अगर इक्विटी में आपने बाइंग करी तो डेफिनेटली आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा, पेशेंस रखोगे पैसा आपके पास अपने आप मार्केट में आ जाएगा। मार्केट में देखो दोस्तों, कहते हैं कि कुछ करना इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ करना तो इंपॉर्टेंट है ही, कुछ नहीं करना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी चीज अगर देखा जाए ना दोस्तों, तो मार्केट में क्या लोगों का पता नहीं, लोगों के अंदर क्या ऐसा कीड़ा रहता है कि आज खरीदे कल उनको भाई पैसा डबल चाहिए, तो भाई ये ट्रेड में होता है, ये इन्वेस्टमेंट में नहीं होता है। तो चीजें आपको समझना पड़ेगा, ये मार्केट के आउटसाइड की चीजें जो आपको खुद को अनुभव यहाँ पे करनी पड़ेगी मार्केट के अंदर। तो डाटा भी टाइम शानदार है, देखो वॉल्यूम खुद आपको बता रही है कि भाई बिल्कुल घट चुकी है, जब तेजी आई थी ना ये वॉल्यूम 40 करोड़ तक पहुंच चुकी थी भाई, एंड करंटली वॉल्यूम देख लो कितनी डाउन है, इसका मतलब ये कि अभी के टाइम शांत है। तो शॉर्ट टर्म वाले थोड़ा समझे, एंड करंटली जो लोग लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, 6 महीने का व्यू देख रहे हैं, वो अभी के टाइम खरीदारी कर सकते हैं, बेस्ट मौका है। एंड चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग डाटा बता दूं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या बनेंगे स्टॉक के, एंड कितना उतार चढ़ाव अभी के टाइम देखिए RSI चल रहा है 56 का। अब यहाँ पे देखो एक चीज समझने योग्य है, भाई RSI तो 56 का है, बट यहाँ पे देखना RSI इतना डाउन भी नहीं जाएगा, जैसा कि आप समझेंगे कि 40 चला जाएगा, तो यहाँ से गिरावट तो नहीं होगी, बट कंफर्म ये कि थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, इतनी बड़ी तेजी भी नहीं दिखाएगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, चार्ट पैटर्न जैसा कि आपको सपोर्ट के लिए दिया गया था, रिवर्सल किया है, करंटली यहाँ पे ट्रेंड मैंने जैसा कि बताया इस ट्रेंड को फॉलो करेगा, एंड यहाँ पे धीरे धीरे ऐसे कंसोलिडेट ये करेगा यहाँ से, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि यहाँ से ऐसे धमाका कर देगा, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, एंड आने वाले दोस्तों 6 मंथ के अंदर ये स्टॉक बड़ा लेवल दिखा सकता है, क्योंकि बड़े इवेंट यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। ये तो Q4 आ रहा है, एंड इसके जस्ट बाद यहाँ पे इलेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, तो कई सारी चीजें भाई आ रही है, एंड इस गवर्नमेंट के स्टॉक का शरण काल यहाँ पे आप करंट स्थिति को कर सकते हो, क्योंकि भाई पिछले एक साल में अगर PE स्टॉक को आप उठा के देखोगे ना गवर्नमेंट वालों के, लगभग दोस्तों 90% स्टॉक यहाँ पे डबल हुए, 10% का कह नहीं सकता, बट 90% स्टॉक भाई लगभग डबल हुए पिछले एक साल के अंदर, बड़ा धमाका इन्होंने दिखाया, मार्केट में भी अच्छी रैली हमें देखने को मिली है। एंड यहाँ से अगर डाटा देखा जाए दोस्तों,
तो स्टॉक भाई रिकवरी कर रहा है, धीरे धीरे रिकवरी कर रहा है। कंसोलिडेट यहाँ से ही करे, कंसोलिडेट के बाद फिर से हम एक बड़ा ब्लास्ट दिखेगा। अब की बार का ब्लास्ट मान के चलो कि दोस्तों 200 से तो ये गिरा ही है, ठीक है ना। अब की बार का ब्लास्ट कम से कम दोस्तों 370 के आसपास हमें नजर आएगा। तो वेट करें, जल्दबाजी ना करें। कंपनी अच्छी है, कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा पेशेंस यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको। जिन लोगों ने पहले पेशेंस रखे सबके सब रिटर्न देके निकले, तो इस स्थिति में अगर खरीदा है तो पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कर लो ताकि